कितने परसेंट लोगों को लगता है कि मर्द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के बावजूद दूसरे पार्टनर्स बनाते हैं? आइए देखते हैं लेडीज का स्कोर क्या है। I'm very excited to know this. गारंटी 80 या 90 होगा। Oh, bhai. 70%. Okay, let's see what the gentlemen have to say. आपने 70% दिया, आपका मैच हो चुका है या नहीं? मेरा 30% है। क्या? What? और इसका 90? 100. 100%. तो आपको लगता है कि 100% मर्द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब उनका कहीं और टाका भिड़ा हुआ है? 100%. ये होता ही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लड़का मर्द उसे लॉयल्टी के साथ निभा सकता है। मतलब आपको मर्दों पर कोई भरोसा ही नहीं है? ऑनेस्टली नहीं है। इतने बुरे रिलेशनशिप्स हैं? नहीं, अभी क्या करें, अभी लड़के मिले वैसे हैं, तो मैं क्या करूं अभी? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं देवीलीना से नहीं कोई महिला मुखिया से कोई बात कर रहा हूँ जो औरतों के अत्याचार और ये सब के रिलेटेड स्टैंड लेने के लिए आई है। किसी ना किसी को तो अत्याचारों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। अरे भाई, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है जो लॉन्ग डिस्टेंस रखे है, लेकिन फ्रेंड में अभी शादी भी किए है यार। जय, ऐसे भी मेरे खुद के पर्सनल फ्रेंड्स हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ्स, बट दैट गाय इज नॉट लॉयल टू हिज वाइफ। तो जब साथ में रह के लॉयल्टी नहीं होती है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो कहीं आसपास भी मुझे नहीं दिखती है। देवलीना, मेरी दिली तमन्ना है कि जब भी आप प्यार करो या इश्क करो, एक अच्छा वर या बॉयफ्रेंड मिले आपको जो आपका विश्वास मर्दों में फिर से जगाए। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड अभी जेन्युइनली अच्छा है। Because you have lost all hope in men. जेन्युइनली अच्छा है, but I don't trust men. मतलब yes, it's period. ये मुझे पूरा यकीन है शो के एंड तक ये मर्दों को कमीना बना के ही रहेगी। लेकिन आपने 30% दिया। हाँ, मतलब आप इनसे सहमत नहीं है? हाँ, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, बिकॉज अगर 100% ही होगा देन वो विश्वास ही खत्म हो जाएगा प्यार में, रिलेशनशिप्स में। सो गिविंग 100% इज यू क्लोजिंग ऑल द डोर्स। जैस्मिन, आई एम श्योर आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसी रही नहीं होगी। और मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी है जिनके ओवरसीज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स थे, किसी के नॉट सक्सेसफुल थे, किसी के सक्सेसफुल थे। हो सकता है उनके बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुए होंगे जो आपके साथ नहीं शेयर की होंगी, सब डिस्कस करती हैं, बट स्टिल गर्ल्स के जो सीक्रेट्स होते हैं वो सीक्रेट्स होते हैं। ये दोनों ही आपस में लगे भिड़ गए। नहीं, मैं कह रही हूं, अरे हम लोग के साथ लड़ना है। शो है लेडीज वर्सेस जेंटलमैन, आओ बहन चुगली करें। नहीं है, हम लड़ नहीं रहे, प्लीज वी आर बीइंग ऑनेस्ट। तुम दोनों की तरह गठबंधन करके एक दूसरे डिस्कस करके नहीं स्कोर दे रहे। अरे गठबंधन काहे का, ये तो एक एक टीम में, आप एक टीम में हो, ऑफ कोर्स ओपिनियन विल मैटर। हाँ, ये तो रही आप दोनों की सोच, तो ठीक है, देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 50%। फिर से जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से थोड़ा नजदीक थी। 100%। 100%, आई स्टैंड बाय इट। यस, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। वॉच, प्ले, विन नाउ।